अभी भैया ने देखिए मिल गया, बकवास अब बंद करिए, मिल गया। मैं निम्ने आई हूँ, चिल करने आई हूँ, सुबह उठने नहीं आई थी। स्कंद पुराण में भी मिलती है। स्कंद पुराण जो है वो हमारे सृष्टि के स्टार्ट कैसे हुई उसके बारे में एक जैसे मैं बनाती हूँ वैसा नहीं। अब बताओ कौन सा ज्यादा टेस्टी है, ये या जो मैं बनाती हूँ? नहीं, तुम गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज ब्लॉग की शुरुआत मैं कर रहा हूँ। कैसे हो आप लोग? और वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। ब्लॉग की शुरुआत करने के पीछे का रीज़न है कुछ। मैम ने ब्रश ले आया और टूथपेस्ट ही नहीं लाया। मुझे लगा होटल से लोग प्रोवाइड करेंगे, बट यहाँ पे सब दिया है बट पेस्ट नहीं दिया है अभी। और भैया ने दे दिया पेस्ट अभी। ठीक है, थैंक यू। तो अभी भैया ने देखिए मिल गया, बकवास अब बंद करिए, मिल गया। मैंने मंगवाया अभी। थैंक यू। तो आज हमारा महाबलेश्वर में है दूसरा दिन, और अब आज का हमारा पॉइंट है, कहाँ जाएंगे अभी हम लोग? आज का पॉइंट कवर करना था सुबह में सनराइज पॉइंट, बट इसे सनराइज देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। सुबह उठने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। मैं यहाँ घूमने आई हूँ, चिल करने आई हूँ, सुबह उठने नहीं आई थी। ओके ठीक है। तो अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो तुम डिसाइड कर लो फिर। टेबल लैंड चलना है? टेबल लैंड आज नहीं, निकलते टाइम चलेंगे कल। तो फिर कब, अभी कहाँ जाना है? अच्छा देखते हैं। यहाँ पे बहुत सारे प्राचीन मंदिर हैं जो कि महाबलेश्वर का अर्थ होता है महा बल और ईश्वर, सबसे बलशाली ईश्वर, मतलब शिव का नाम पे, शिव के नाम पे महाबलेश्वर का नाम पर है। तो महाबलेश्वर में हम लोग शिव जी के मंदिर चलेंगे आज। yes. महाबलेश्वर टेंपल चलेंगे। ठीक है, मैं फ्रेश होती हूं। ओके ठीक है। ओके गाइस, ब्लॉग में बने रहिए। और ये है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट, फ्रूट्स है, इसमें पोहा है, इसमें भी आई थिंक पोहा ही होगा, और चाय है बस। सो ब्रेकफास्ट करने के बाद अब बारी है घूमने की। तो अभी हम जा रहे हैं ओल्ड महाबलेश्वर। गाड़ी खोल दो। तो चलिए चलते हैं आप सबको भी लेके। मेरा भी फर्स्ट टाइम है, देखते हैं कैसा है। वैसे महाबलेश्वर काफ़ी खूबसूरत जगह है, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। और यहाँ का सबसे मुझे एक इंटरेस्टिंग पार्ट, इंटरेस्टिंग नहीं सबसे अच्छा पार्ट है कि यहाँ पे हर एक कोने में आपको ऐसे स्ट्रॉबेरी बेचने वाले मिल जाएंगे। मतलब इस सीधे रोड में नहीं भी तो 10 स्ट्रॉबेरी बेचने वाले हैं यहाँ पे, और बिल्कुल फ्रेश। जैसा कि सबको पता है कि महाबलेश्वर स्ट्रॉबेरी के लिए भी फेमस है, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़े स्केल में खेती होती है इसकी। तो हमने अभी लिया नहीं है, जाते वक्त लेंगे। अभी लेंगे तो वो थोड़ा सा वो हो जाएगा, ब्लैकिश हो जाएगा। तो जब घर जाने लगेंगे तब हम लेके जाएंगे यहाँ से, यहाँ के फ्रेश वाले स्ट्रॉबेरी। तो चलिए चलते हैं घूमने। ब्लॉग में बने रहिए, ब्लॉग को खूब सारा प्यार दीजिए। थैंक यू। हम लोग ये छोटा सा ट्रेल ले के नीचे आए हैं, ऑलमोस्ट 200 मीटर्स का था। और कृष्णाबाई टेंपल, हाँ कृष्णाबाई टेंपल के पास पहुँचे हैं। ये मंदिर बहुत पुराना है महाबलेश्वर में। ऑलमोस्ट सारे मंदिर बहुत पुराने हैं, बोला जाता है ऑलमोस्ट 5000 ईयर्स से भी पुराने मंदिर हैं। इनका जो वर्णन है ये स्कंद पुराण में भी किया हुआ है। तो ये मंदिर देख सकते हो कितनी पुरानी आर्किटेक्ट है इस मंदिर की। इजी मंदिर के सामने से व्यू है। आई होप दिख रहा हो, बिकॉज सन एकदम सामने में है तो
प्रॉब्लम हो सकता है। एंड दिस इज द एंट्री टू टेंपल। ना रिवर की स्टार्टिंग पॉइंट है और ये जो पानी आ रहा है वो पहाड़ के अंदर से आ रहा है, अंदर से आ रहा है। यहाँ पे जल में हाथ धो करके अंदर दर्शन के लिए जाना होता है। कोई बात नहीं, उठा लो। दीज आर द आर्किटेक्ट आई एम सो फॉन्ड ऑफ, मीन सच अ हिस्टोरिकल प्लेस। इतना प्यारा है। हाँ मंदिर के दर्शन करके मन एकदम तृप्त हो गया। इतना पुराना मंदिर है, मतलब इतना अच्छा फील आ रहा था, बहुत ही अच्छा, कुछ स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग वाइब्स आ रहा था। और ये कुंड का पानी सी ये कितना साफ है। वाइब्स तो स्ट्रॉन्ग थे ही, इवन फुलनेस बहुत था ना। हाँ बहुत अच्छा, बहुत प्यारा, बहुत प्यारा। मुझे यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा है। अंदर एकदम थोड़ा अंधेरा, कोई लाइट वाइट कुछ नहीं, और कितना स्ट्रॉन्ग वाइब आ रहा था। बहुत अच्छा, ज़रूर आना आप लोग भी दर्शन करने यहाँ। यहाँ हम आए हैं स्ट्रॉबेरी की खेती देखने के लिए कि कैसे इसकी खेती होती है। हाय कितने बड़े बड़े स्ट्रॉबेरीज। ये खेती होती है ऐसे। हाँ बहुत बड़े बड़े स्ट्रॉबेरीज है, देखिए ये स्ट्रॉबेरीज, देखिए ऐसे होती। अभी ये पके नहीं है पूरी तरह से अच्छे से। अब नेक्स्ट हम आ गए हैं महाबलेश्वर टेम्पल। ये है महाबलेश्वर टेम्पल, ऑलमोस्ट 5000 साल पुराना, उससे भी ज्यादा। 5000 साल तो ये ह्यूमंस बोल रहे हैं, लेकिन पुरानों के हिसाब से देखोगे तो बहुत पुराना है। हाँ मैंने सुना था एक सदगुरु के वीडियो में। तो महाबलेश्वर मंदिर के दर्शन हमने कर लिए और मैं आप लोगों को बता नहीं सकती, अंदर इतना अच्छा, इतना स्ट्रॉन्ग वाइब आ रहा था, बहुत ही अच्छा फीलिंग, मतलब मैंने सोचा नहीं था कभी। और बता दूँ अंदर शिवलिंग जो है वो बड़े से, बहुत बड़े से रुद्राक्ष के फॉर्म में है और बहुत ही अच्छा है। और मेरे हस्बैंड बताएंगे इस मंदिर के बारे में और कुछ डिटेल्स में, लो बताओ। ओके तो इस मंदिर की जो स्थापना है वो स्कंद पुराण में भी मिलती है। स्कंद पुराण जो है वो हमारे सृष्टि के स्टार्ट कैसे हुई उसके बारे में एक पुराण है, तो उसमें आपको महाबलेश्वर मंदिर का भी वर्णन मिलेगा। ये मंदिर मतलब हजारों वर्ष पुराना है मंदिर की स्थापना, लेकिन यहाँ पे जो शिवलिंग है रुद्राक्ष रूप में है और ये हजारों साल पुराना है, लेकिन इस मंदिर की स्थापना शिवाजी महाराज ने 800-900 वर्ष कुछ पीछे की थी जैसा कि लिखा हुआ है। और मतलब जो लोग भी आने के बारे में सोच रहे हो या फिर प्लान बना रहे हो उनको मैं बोलूँगी आ जाओ। अगर आप पुणे भी आते हो या मुंबई भी आते हो तो मुंबई से ये 230 किलोमीटर है, पुणे से 120 किलोमीटर है। आप महाराष्ट्र आते हो 3 ज्योतिर्लिंग करने के लिए, जिसमें कि त्र्यंबकेश्वर है, भीमाशंकर है, विष्णेश्वर है और त्र्यंबकेश्वर है।
लेकिन महाबलेश्वर भी जरूर आइएगा, बिकॉज यहाँ पे जो ऊर्जा है, ऊर्जा का संचार है, वो अलग लेवल का है। मतलब मैं बोल रहा हूँ, मैं स्टोरी, हाँ हाँ आप बैठिए, मैं जो बोल रहा था तो मतलब मुझे आई वॉज फीलिंग सो इमोशनल। तो बहुत ही अच्छा ऊर्जा का संचार है यहाँ पे, आइए एंड यू विल फील दैट पावर। I don't know, I'm getting emotional. Okay. मंदिर के बाद अब हम लोग आ गए हैं आर्थर सीड पॉइंट। बहुत ही प्यारा व्यू, भी एक व्यू पॉइंट ही है ये भी। ये सेक्शन अभी क्लोज किया हुआ है, आई थिंक यहाँ पे काम चल रही है, इसलिए वो नीचे काम चल रही है, उसका आवाज़ भी आ रहा है। अदरवाइज ये पॉइंट देखो, सच अ ब्यूटीफुल प्लेस। वाह, ये थोड़ा थोड़ा मेघालय वाला वाइब्स दे रहा है गाइस, आई गेस। कैसा लगा पॉइंट? बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही अच्छा। मैं थक गई हूँ सीढ़ी चढ़ते चढ़ते। ठीक है, थोड़ा देर बैठो ना। अब बारी है पहाड़ों पे छाछ और कॉर्न। अभी हम लोगों ने छाछ मंगवाया है आंटी से, और वो ये बॉइल्ड वाले कॉर्न के चाट आंटी बना रही है। कैसा लग रहा है पहाड़ों पे छाछ पीने में? इवन ठंड की मौसम है, बट लेकिन महाबलेश्वर में गर्मी है। नहीं, दिन के टाइम पे थोड़ी गर्मी हो जा रही है, बट रात में इट्स कोल्ड, ठंड होती है, और दिन में अगर गर्मी है तो छाछ तो बनता है। पहाड़ों पे चाय सुना था, पहाड़ों पे छाछ आज हम पियेंगे। राइट,
जैसे मैं बनाती हूँ वैसा नहीं है। हाँ, बताओ कौन सा ज्यादा टेस्टी है, ये या जो मैं बनाती हूँ? नहीं, तुम जो बनाती हो वो थोड़ा डिफरेंट है ये, बट लेकिन ये भी बहुत अच्छा है। अब बाड़ी है छाछ की, कैसा है ये? अच्छा है, यम्मी। सो कैसा लगा आप लोगों को मेरा ये महाबलेश्वर का ब्लॉग? ज़रूर बताना मुझे कमेंट सेक्शन में कि आप लोगों को कैसा लगा, और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना।